व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम की वीडियो। सो आज हम जो गेम खेलने वाले हैं उसका नाम है क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। आज हम वापस से क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग खेलने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज किस वाले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक कैसल बनाना। तो आज हम एक कैसल बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली आज हम कैसल में एक बहुत ही सुंदर सा एंट्री गेट बनाने वाले हैं। मतलब आज के इस वाले एपिसोड में मैं एंट्री गेट ही बनाने वाला हूँ। इसके बाद के एपिसोड में हम पूरा रॉयल हमारा कैसल बनाना स्टार्ट करेंगे एंड फिर हम डिसाइड करेंगे कि इंटीरियर में हम क्या रखेंगे, मतलब व्हाटएवर हम क्या क्या सामान कैसल के अंदर रखने वाले हैं, क्या क्या यूनिक चीज़ें लाने वाले हैं, तो सब मैं डिसाइड करने वाला हूँ बाद में। बट आज के इस वाले एपिसोड में मैं एक एंट्री गेट बनाने वाला हूँ। तो बात कम करते हैं, जल्द चलते हैं वीडियो में। ऑल राइट गाइस, तो मैं अपने गेम में आ चुका हूँ। तो ये है क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग सर्वाइवल एंड आज मैं एक न्यू वर्ल्ड बनाने वाला हूँ। आज की इस वाली वीडियो में हम एक कैसल बनाना स्टार्ट करने वाले हैं एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि आज का टास्क कैसल बनाना स्टार्ट करना है। तो आज हम एक कैसल बनाना स्टार्ट करेंगे एंड फिर हम प्रॉपर एक कैसल बना लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते हैं यार कि हम आज कितना तक बना पाते हैं। बेसिकली अब मैं अपने वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका हूँ एंड वर्ल्ड में स्पॉन होते ही पहला काम ये होता है कि हमें वुड्स कलेक्ट करनी होती है। तो पहले तो मैं इन ट्री के वुड कलेक्ट करता हूँ, बिकॉज देखो पहले कैसल बनाने के लिए सिर्फ कैसल के ही चीज़ ऐसे नहीं है, मेरे को पहले अपने बेसिक टूल्स बनाने होंगे। बेसिक टूल्स मेरे को कुछ स्टोन्स वोन्स जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी कैसल बनाने के लिए वो सब कलेक्ट करना है। एंड कभी कभी ना बहुत ज़्यादा रेयर होता है वैसे, कभी कभी ना मेरे को कुछ यूनिक चीज़ें भी मिल जाती है। मतलब कुछ यूनिक स्टोन्स मिल जाते हैं, डीप स्लेट स्टोन्स मिले थे मेरे को एक बार। बट वो टाइम ना मैंने कैसल बनाया नहीं था एंड मैंने आपको दिखाया भी नहीं था। बट अगर आज के समय में एपिसोड में मिल गया तो मैं उससे भी अपने घर को सजा सकता हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है अगर मुझसे सजाते हैं, बट फिर यहाँ बहुत ज़्यादा रेयर होता है तो मुझे नहीं लगता आज के समय एपिसोड में मिलने वाला है। बट ठीक है, मैंने वो कलेक्ट कर लिया है तो मैंने इससे बहुत सारे ओके प्लैंक्स बना लिए। इससे बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल को मैंने रख दिया यहाँ पे। क्राफ्टिंग टेबल के अंदर मेरे को क्राफ्ट करनी है कुछ स्टिक्स जिससे मैं अपने बेसिक टूल्स बना पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे जो है 8 स्टिक्स क्राफ्ट कर लिए। इससे पिकैक्स, एक्स और एक स्वॉर्ड बना लेते हैं। ठीक है गाइस, मैंने अपने सारे बेसिक टूल्स बना लिए जो कि सबको ही लगते हैं एंड मुझे भी लगेंगे, घर सबको ही लगते हैं। तो फिर वुड की एक्स से मैंने इस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लिया, कलेक्ट भी कर लिया मेरे इन्वेंटरी में। तो अब मेरे को यहाँ पे ना सैंड दिख रही है, बहुत ही अच्छी बायो मिली है। बट फिलहाल मेरे को भी अंदर नीचे जाना है, स्टोन माइन करना है एंड स्टोन, बिकॉज मेरे को यहाँ पर कोई केव तो दिख नहीं रही है तो मैं अंदर जाकर स्टोन माइन कर लेता हूँ। देखो फिर स्टोन मिल गया, तो स्टोन को माइन करते हैं। चलो राइट गाइस, तो बहुत सारा स्टोन जो है वो माइन हो चुका है एंड अभी मैं फिलहाल क्राफ्टिंग टेबल को रखता हूँ यहाँ पे। क्राफ्टिंग टेबल के अंदर मेरे को क्राफ्ट करनी है एक पिकैक्स दिख रही है मेरे को, तो ये क्राफ्ट कर लेता हूँ मैं। तो अभी एक स्वॉर्ड दिख रही है, फर्नेस मैंने बना लिया है एंड अभी एक स्वॉर्ड भी बना लेते हैं, कुछ स्टिक्स बना लेते हैं बिकॉज मेरे पास स्टिक्स ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, अब एक एक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे टूल्स बेसिक बना लिए अपने एंड अभी वुड की एक्स से मैं क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लेता हूँ। तो मेरे को जो है सारे बेसिक टूल्स बन चुके हैं, अगर आयरन मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता, बट अभी मेरे को आयरन नहीं मिला है। फिलहाल मैं अभी बाइंड करता हूँ, अगर मेरे को कोई यूनिक सा स्टोन मिलता है, बस मैंने बोला कि नहीं बोला, अगर मेरे को मिल गया एक यूनिक स्टोन, मतलब नहीं यूनिक स्टोन तो है नहीं, बट सैंड स्टोन मेरे को बहुत ज़्यादा रेयर मिलता है। मतलब मेरे को एक दो बार आगे मिलता था, आज भी मिल गया है। तो ठीक है, मैं इसको बहुत सारा माइन करके लेके जाना, बिकॉज इसको भी मैं अपने कैसल में लगाऊंगा, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है। मतलब इससे मैं वॉल बनाऊंगा कैसल की, आज मैं वॉल ही बनाऊंगा तो बहुत सुंदर लगने वाला है वो वॉल। मतलब उस वॉल से एंट्री होगी, तो आज मैं एंट्री गेट बनाने वाला हूँ मेरे कैसल का एंड फिर हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में देखेंगे कि अगर मैं प्रॉपर एक कैसल बना पाऊँ। फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, मेरे पास अभी टॉर्च है नहीं। तो ठीक है, यहाँ तक माइंड करते हैं। पिकैक्स भी टूट चुकी है वुड वाली, तो फिलहाल अभी मेरे पास यहाँ पर तो जो है एक सैंड स्टोन है, बट मैं ना ऐसे ये नहीं बनाने वाला, मैं नॉर्मल सैंड स्टोन से अपना काम करने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे
जो है मैं अभी ऊपर जाना है मेरे को, बट ना मेरे को बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि मेरे पास ऊपर जाने के लिए भी ज़्यादा सामान है नहीं, मेरे पास सिर्फ ये डर्ट है एंड डर्ट भी ख़त्म हो चुकी है। कॉबल स्टोन से ऊपर जाते हैं बिकॉज यार मेरे पास अभी ज़्यादा सामान नहीं ऊपर जाने के लिए, एंड कुछ सामान तो मेरे को चाहिए भी होगा ना वो कासल बनाने के लिए। तो ठीक है मैं अभी ऊपर आ चुका, मेरे पास अभी एक ही पहुँचा है, इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है फिर मेरे पास कॉबल स्टोन भी ख़त्म हो चुके, यहाँ पर मेरे को बहुत सारे सैंड दिख रहे, तो चलो यार इसको भी माइन कर लेते बिकॉज ये भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही होती है। फिर हम सैंड से भी हम बना सकते ग्लास बना सकते, तो ये भी ले लेते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी कलेक्ट कर लेते। चलो कलेक्ट कर, और वैसे मैंने थोड़े से तो स्टैंड माइंड कर लिया, अब मेरे को ज़्यादा चाहिए भी नहीं होंगे। ओह भाई यार बातें करते करते मैं नीचे ही गिर गया मैं, तो ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, यहाँ पे मेरे को एक पता नहीं क्या ही टाइप का कुछ दिख रहा है, शायद से डर्ट ही होगा और टाइप का। तो यहाँ पर फिलहाल मेरे को कुछ और तो नहीं दिख रहा है, मतलब यार मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वर्ल्ड को, और जब भी मेरे को कुछ यूनिक मिलेगा उससे ही मैं अपना कैसल बनाने वाला हूँ। ओके तो उधर पे मेरे को पहला खाना मिल चुका है, खाना भी कलेक्ट करना है यार, कासल नहीं बनाना सिर्फ खाना भी कलेक्ट करना है, बिकॉज देखो खाने की तो ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि नॉर्मल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए खाना तो हमें चाहिए ही होता है। एंड अगर शीप भी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि शीप से मेरे को मिलेगी वूल, वूल से मैं बना पाऊँगा एक बेड। फिर यहाँ पर मेरे को सेकेंड खाना मिल चुका है जो कि मेरे को मिला है रॉ पॉक चॉप, तो मैंने ये भी बना लिया। एंड फिर हम मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी और खाना दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को फूल दिखे, तो देखो फूल तो हमें चाहिए ही होते हैं, मैं यहाँ से ना फूल कलेक्ट कर लेता हूँ। दो यहाँ पे मेरे को ये येलो फूल मिले एंड यहाँ पे एक ये वाइट फूल है, तो आप क्या आप कमेंट्स करके बताओ कि इनका नाम क्या होगा, मैंने तो इनको कभी देखा नहीं है, कभी फ्लावर कलेक्टिंग नहीं करा है। फिलहाल मैं इनको मार के थोड़ा बहुत खाना ले लेता हूँ क्योंकि खाना की भी बहुत कमी पड़ने वाली है, एंड मैं कैसल बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा गिरूँगा भी, तो इसलिए मेरे को खाना पाना तो चाहिए ही होगा, इसलिए मैं अपने सर्वाइवल के लिए खाना ले रहा हूँ। एंड बस किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है बिकॉज मेरे को शीप मिल चुका, बट एक शीप से कुछ काम नहीं होने वाला, मेरे को तीन शीप तो चाहिए होंगे, तो फिलहाल मैं एक शीप को ही मारता हूँ अपनी। ठीक है तो अभी के लिए मैंने एक शीप को मार लिया, इसने मेरे को रॉ मटन के साथ साथ मेरे को इसने वो भी दिया है, क्या बोलते हैं वूल भी दिया है। यहाँ पे एक ब्लैक शीप भी, इसको भी मार लेते हैं। मैंने इसको सिर्फ मटन के लिए मारा था, मतलब ब्लैक वूल के लिए, ब्लैक वूल से तो ब्लैक बेड हम नहीं बना सकते, मतलब एक मेरे को कुछ और ही वूल मिल गया। ठीक है ठीक है, मेरे को सेकंड भी मिल चुकी थी जिसको मैंने मार दिया है, एंड थर्ड मेरे को अभी यहाँ पर दिख नहीं रही है, मेरे को थोड़ा सी रेयर ही मिलने वाली है, पता नहीं थर्ड वाली मेरे को यहाँ पर दिख तो रही नहीं है, मतलब यहाँ पर थर्ड वाली है नहीं। मेरे को तीन चाहिए होंगी, एक तो मेरे को ब्लैक वाली मिली है, बट ब्लैक वाली से तो नहीं बनने वाली, बिकॉज दो वाइट है एंड एक ब्लैक है, उससे क्या ही बनने वाला है। या मेरे को ना ऐसा लगा कि किसी ने मेरे ऊपर तीर चला है, बट ठीक है यहाँ पर कोई भी नहीं था, मेरा शायद से व्यायाम होगा। तो फर्नेस तो मैंने अपने हाथ में रख लिया पता नहीं क्यों, सो मेरे को यहाँ पे जाना है, एंड यहाँ पे जाकर मेरे को ना मतलब मैं दिमाग में सोच रहा हूँ कि यार क्या ही मैं एंट्री गेट बनाऊँ, तो एंट्री गेट बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। आज मैं अपने कैसल का एंट्री गेट बनाने वाला हूँ, सो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर, अरे भैया यार एक्सप्लोर करते करते मैं तो नीचे ही गिर गया, अरे यार मेरे को ऊपर जाना होगा, कैसे जाऊँ ऊपर, बिकॉज अगर ऊपर जाना है तो मेरे को अपने वो सैंड भी तो यूज़ करनी होगी। ठीक है सैंड से ऊपर चलते हैं, बाद में मैं थोड़ा बहुत और सैंड कलेक्ट कर लूँगा, बिकॉज आज तो लास्ट नहीं है भाई, मैं इसके बाद और भी बनाने वाला हूँ, मतलब इसके बाद के पिक्चर में ही मैं इसको ही कंटिन्यू करने वाला हूँ, इस वाले वर्ल्ड को कंटिन्यू करने वाला हूँ, बिकॉज इस वाले वर्ल्ड में मैंने तो अभी तक कैसल बनाया नहीं है। एंड आज मैं सिर्फ वो एंट्री गेट बनाऊंगा, एंड किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है बिकॉज मेरे को यहाँ पर थर्ड शीप भी मिल चुकी है, एंड मेरे को उसके साथ ही साथ वॉल भी मिल चुकी है थर्ड वाली। तो अभी ना मेरे को यहाँ पे ये चाहिए, मतलब ये प्लैंक चाहिए, इससे मैं ओके प्लैंक्स बना लूँगा चार, बिकॉज मेरे को तीन चाहिए होते हैं एक बेड के लिए, एक वाइट बेड के लिए। तो मेरे को यहाँ पे एक मिल जाए एंड रात हो रही है भाई, जल्दी करना होगा जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है मैंने ओके प्लैंक्स बना लिए, मैं मेरे को ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा क्राफ्टिंग टेबल है, बिकॉज मेरे को अभी समझ में भी नहीं आ रहा है कि मेरा क्राफ्टिंग टेबल मेरे को बनाना पड़ेगा या फिर है मेरे इन्वर्टर में। ठीक है मेरे क्राफ्टिंग टेबल मेरे इन्वर्टर में ही था, बराबर उसको रखते हैं यहाँ पर, जल्दी करते भाई कहाँ पे है कहाँ पे है वही काम है। ठीक है ठीक है मैं कहाँ पे एक वाइट बन मिल चुकी है, मैंने इसको रख लिया है अपने इन्वेंटरी में, प्राइवेट स्टोन के एक्सेस को तोड़ते हैं, एंड बेड को मैं लगाता हूँ यहाँ पे, मतलब पहले इस शीप को मार के खाना कलेक्ट कर लेता हूँ, तो भी हंगर भी थोड़ा सा हो चुका है,
तो ठीक है, सुबह को ही खाना खाऊंगा। गुड नाइट गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो चुकी है एंड आपको अच्छा लग रहा होगा, तो सुबह हो चुकी है एंड फाइनली अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक कासल का गेट बनाने में। तो कासल का गेट बनाने के लिए पहले तो मैं यहाँ पे जो है सैंड लगा देता हूँ। एंड पता है मैं ना एक काम करने वाला हूँ, बहुत ही सुंदर सा एक स्टाइल बनाने वाला हूँ। ओह यहाँ पे गलत लग गया ब्लॉक, रुको। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे एक स्टाइल करने वाला हूँ, मतलब ऐसा स्टाइल मैं किसी ने नहीं करा होगा। तो मैंने क्या करने वाला हूँ, मैं पहले इनको लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने लाइन वाला इनको लगा दिया, मैं इनके ना बीच वाले ब्लॉक्स कलेक्ट करने वाला हूँ। ये वाला ब्लॉक कलेक्ट करा, इसके बाद मेरे को इसके बाद का ब्लॉक कलेक्ट करना है। ये वाला नहीं, मतलब जिसको मैंने लगाया उसको नहीं, इसको बिना हाथ लगाए मैं सेकेंड वाले ब्लॉक को तोड़ने वाला हूँ। तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्टाइल होने वाला है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज सैंड से जो जुड़ी है ना, तो इसलिए मेरे को उतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ब्लॉक तोड़ू। ये वाला नहीं, ये वाला तोड़ना है मेरे को, ठीक है। एक बहुत ही सुंदर जो है स्टाइल बन चुका है, इसके अंदर मेरे को कुछ और टाइप के ब्लॉक्स डालने, बस यहाँ पे ओक के ब्लैंक्स है तो मैं इनको यहाँ पे लगा सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सिर्फ तीन ही ओक के ब्लैंक्स हैं, मेरे को और एक चाहिए। बट यार और एक चाहिए होगा बिकॉज इसको सुंदर करने से मेरे को और एक चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे जो एक वो लेके आया था ना मैं, तो मैं अभी यहाँ पे सैंडस्टोन लगाने वाला हूँ, तो मैं सैंडस्टोन को यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी चार सैंडस्टोन है, यहाँ पर सिर्फ दो ही जगह और बची हुई, ठीक है। मैंने ओके प्लैंक्स को जो है तोड़ लिया है, अभी मैं इनके बीच में लगाने वाला हूँ सैंडस्टोन। तो ये भी काफ़ी बढ़िया लगने वाला है बिकॉज सैंड के बीच में सैंडस्टोन, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। देखो ये हमारा एंट्री गेट का बेस है, तो अभी इसको ही मेरे को जो है थोड़ा बहुत चौड़ा करना है, मतलब इसको थोड़ा बहुत ऊपर से बिल्डिंग टाइप का करना है। मतलब एंट्री गेट है ना, तो कैसल का एंट्री गेट जैसे कि मेरे हिसाब से एक कैसल का एंट्री गेट ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है एंड नीचे पे दो दरवाजे रहते हैं। तो दरवाजे तो मैं बनाने वाला हूँ बट अभी नहीं, आज के छोले बजट में नहीं, शायद से इसके बाद के बजट में मैं उसका क्या बोलते हैं गेट बनाऊँगा। मतलब गेट तो मैं बना रहा हूँ, गेट का बेस बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बट अभी मेरे को बाद में वो भी बनाने जिससे मैं ओके वो डोर बना पाऊँ। ओके डोर को मैं बीच में लगाने वाला हूँ एंड काफ़ी सही लगने वाला है वो। फिलहाल अभी मेरे को स्ट्रक्चर कम्प्लीट करना है बिकॉज अगर मैं स्ट्रक्चर कम्प्लीट नहीं करूँगा तो मैं बना भी नहीं पाऊँगा। तो मैं जो है अभी इस स्ट्रक्चर करो, मेरे पास ना सिर्फ अभी चार ही बाकी है, पता नहीं मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे ही कम्प्लीट करने वाला हूँ। मेरे पास चार ही थे तो फिलहाल यहाँ पे मैं सैंड थोड़ी बहुत और कलेक्ट करने वाला हूँ। तो रॉ पॉक्चर है, मैं इसको खा लेता हूँ बिकॉज खाने की बहुत कमी पड़ने वाली है। यानी यहाँ पे देखो हंगर बार हो चुका था इसलिए मैंने खाना खा लिया, यहाँ से थोड़ा बहुत जो सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज मेरे को अभी सैंड चाहिए होंगी यार। वो वाला बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे को सैंड चाहिए होगी। यानी ये ना मतलब एक फर्स्ट टाइम होने वाला है कि फर्स्ट टाइम कैसल का एंट्री गेट सैंड से बना है, ये काफ़ी सुंदर लगने वाला है ये वाला, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचते कि थोड़ा सा यूनिक बनाते, वरना हम तो स्टोन से ही बना सकते थे बट मैंने स्टोन से नहीं बनाया बिकॉज ये एक यूनिक टाइप का बनाने वाले हैं हम, जो कि किसी ने नहीं बनाया होगा अपने जीवन में, किसी ने नहीं बनाया होगा। अरे यार बहुत परेशान कर रही है, ठीक है मैंने इसको मार दिया। फिलहाल अभी और खाना खाते बिकॉज हंगर बार जो है मेरा कम होती जा रहा है बिकॉज मेरे हार्ट्स भी जो है वो कम होते जा रहे हैं बिकॉज मैं नीचे कर रहा हूँ और मेरे को डैमेज मिल रहा है बहुत गंदा। फिलहाल मेरे पास अभी बहुत सारा सैंड आ चुका है, मैं इनको लगाने वाला हूँ ऊपर। तो ठीक है, तो मैं इनको ऐसे ऐसे करके ऊपर लगा दूँ एंड जो जो आपको दिख रहा होगा ना कि वीडियो में इसने तो नहीं करा है, तो वो आप समझ लेना कि नेक्स्ट एपिसोड में वो हो जाएगा, ठीक है। यार मैंने अपनी जो है मेरे पूरा कैसल का एंट्री गेट का स्ट्रक्चर बना लिया है, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसको बनाना करने वाला हूँ। तो आज के में इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक करो, अगर आप चैनल पर जाना सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।